हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की आपको रिक्वायरमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। उससे पहले आपको ये देखना है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी जरूरत हमको क्यों पड़ी। तो आज की वीडियो में हम इसी की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी और इमेजिनरी नंबर का क्या कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले। चलिए, तो नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की हम लोग बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कि मेरे पास कोई दो नंबर्स हैं ए एंड बी, एंड ए इज ग्रेटर देन बी। ए क्या है? बी से बड़ा। फॉर एग्जांपल लेट्स से ए इज इक्वल टू कितना हो गया 5, ठीक है, और बी लेट्स से कितना है 3, तो 5 इज ग्रेटर देन कितना हुआ 3। अब अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है जिसका फॉर्म कैसा है, एक्स प्लस ए बराबर ए, एक्स प्लस ए बराबर बी, तो ए की जगह अगर मैं 5 पुट करूं और बी की जगह अगर मैं 3 पुट करूं, तो मेरे पास जितने भी नेचुरल नंबर है कोई भी नेचुरल नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। बिकॉज नेचुरल नंबर जो होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं, आपके 1 से, ऑल दी पॉजिटिव नंबर्स। तो पॉजिटिव नंबर अगर x की वैल्यू हम पुट करें, लेट्स से मैं पहला नंबर 1 भी अगर पुट करूं तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6, विच इज नॉट इक्वल टू 3। तो कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं जो इस इक्वेशन को क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए। तो यहां पर हमको नीड पड़ी किसकी, नेगेटिव नंबर्स की। हम लोग कॉन्सेप्ट लेकर आए किसका, नेगेटिव नंबर्स का। तो इनिशियली हमारे पास क्या थे, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स थे अपनी लाइन नंबर लाइन के ऊपर। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट क्या लेकर आए, नेगेटिव नंबर्स का। नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड के अंदर मूव करें तो यहाँ पर आपके जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे, ठीक है। तो अब अगर मान लो कि एक्स की जगह में कोई एक नेगेटिव नंबर पुट करता हूँ, लेट्स से अगर मैं -2 पुट करता हूँ, तो -2 प्लस 5 3 बराबर सेटिस्फाई हो गया। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने में हमारी जो प्रॉब्लम आ रही थी नेचुरल नंबर के साथ, उसको दूर करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया किसका, है नेगेटिव नंबर्स का, ठीक है। और नेगेटिव नंबर्स एंड नेचुरल नंबर का जो सेट होता है इसको हमने क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। तो यहां से इनिशियली हमारे पास नेचुरल नंबर है, वहां से हम किसके ऊपर जंप करें, इंटीजर्स पे। इंटीजर में आपके सभी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर क्या हो चुके हैं, इंक्लूड हो चुके हैं। अब हमारे पास सेकंड टाइप की इक्वेशन है। सेकंड टाइप की इक्वेशन क्या बोल रही है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है जिसमें इस फॉर्म में ए एक्स इज इक्वल टू बी, लेट्स से 5x इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो x की क्या वैल्यू होना चाहिए, x की वैल्यू यहां से देखो कितना आ रही, 3/5। बट 3/5 इज नॉट ए इंटीजर। तो जो इंटीजर की हमने डेफिनेशन दी थी वो इस इक्वेशन को सॉल्व करने में कैपेबल नहीं है, नॉट सॉल्वेबल इन इंटीजर्स, हम इसको इंटीजर में सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहां पर हमको कॉन्सेप्ट लेकर आना पड़ा किसका, रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, सिंपली हर वो नंबर जो p बाय q के फॉर्म में हो, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो दो दो इंटीजर्स का रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कॉन्सेप्ट लेकर आए किसका, रैशनल नंबर का। तो हमारी ये इक्वेशन भी क्या हो गई, सॉल्व हो गई। देखिए आप देखते जा रहे हो ना, आवश्यकता जो आपकी आवश्यकता जो होती है वो आविष्कार की जननी होती है, ऐसा हमने सुना है। तो यहां पर देखिए हमको रिक्वायरमेंट पड़ी नेगेटिव नंबर की तो उसको हमने इंट्रोड्यूस किया, यहां पर हमको रिक्वायरमेंट पड़ी आपके फ्रैक्शन वाले नंबर्स की तो हमने रैशनल नंबर को इंट्रोड्यूस किया। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, हमको कुछ इक्वेशन इस फॉर्म में देखने को मिली, कुछ इक्वेशन हमको इस फॉर्म में देखने को मिली, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब इसका अगर मुझे सॉल्यूशन करना है तो एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, एक्स की वैल्यू होना चाहिए आपकी प्लस माइनस √3। बट √3 ना तो आपका नेचुरल नंबर होता है, ना ही आपका इंटीजर होता है, ना ही आपका रैशनल नंबर होता है। तो यहां पर हमको रिक्वायरमेंट पड़ी किसकी, एक कॉन्सेप्ट की जिसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो यहां से आपका आविष्कार हुआ किसका, इरेशनल नंबर का। तो अभी तक आप देखते जा रहे हो कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इक्वेशन आती जा रही है, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारा जो वेरिएबल है उसकी अलग अलग वैल्यू की हमको रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो कहीं पर वो नेचुरल नंबर से फुलफिल होगा, कहीं पर इंटीजर से, कहीं पर रैशनल नंबर से, और जहां रैशनल से भी नहीं हुआ वहां पर हमें कॉन्सेप्ट लेकर आया जिसको हमने क्या बोला, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब हमारे पास एक और नई सेट ऑफ इक्वेशन आ गई। ये सब आप पढ़ चुके हो छोटी क्लासेस के अंदर, अब हमारे पास एक नई सेट ऑफ इक्वेशन आई है जो कि आया है आपकी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या आप सिंपली लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0। अगर कोई ऐसी इक्वेशन है तो ऐसी इक्वेशन को ना तो हम इंटीजर से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं होगा जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। मतलब ये इसको सेटिस्फाई करना है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1, और हमको पता है किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर अगर मैं एक्स की जगह पुट करूं तो भी ये मेरी इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी, ठीक है, ना किसी रैशनल नंबर से सॉल्व होगी, ना ही किसी इरेशनल नंबर से सॉल्व होगी। तो ये वाली जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन इस फॉर्म में आती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0, वेयर ए इज अ पॉजिटिव नंबर, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसमें पॉसिबल नहीं है।
रियल नंबर्स का मतलब क्या हो गया, आपके ऑल दी नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल नंबर, सभी का जो पूरा एक सेट बनेगा, एक डिब्बा जो बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, रियल नंबर्स। ठीक है ना, मतलब हमारे पास पहले एक झोला था जिसके अंदर सबसे पहले थे पॉजिटिव नंबर, फिर हमने इंट्रोड्यूस किया इसके अंदर नेगेटिव नंबर, फिर हम इसके अंदर लेकर आए पी बाय क्यू के नंबर, फिर हम इसके अंदर लेकर आए इरेशनल नंबर। तो अभी तक हमारे पास ये जो झोला है ना, इसके अंदर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इस टाइप की इक्वेशन को क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए। तो इस टाइप की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमको रिक्वायरमेंट पड़ती है इसकी इमेजिनरी नंबर्स की। ये इमेजिनरी नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था मैथमेटिशियन यूलर ने। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि जो माइनस वन का रूट है, जो माइनस वन का रूट है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक नंबर, एक टर्म से, जिसको हम क्या बोलते हैं आयोटा, स्मॉल आई से हम क्या करेंगे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर ऐसा होने लग जाए तो क्या मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे करें, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया आपका माइनस वन, स्क्वायर हटेगा उस तरफ क्या लगता है प्लस माइनस के साथ रूट, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई देखो, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन। अंडर रूट माइनस वन आपका रियल नंबर के सेट में नहीं था, बट यूलर ने क्या बोला कि जो माइनस वन का रूट है इसको हम क्या बोल देंगे आई, आई फॉर इमेजिनरी नंबर्स, इसको हम क्या बोलते हैं आयोटा। तो एक्स की वैल्यू देखो कितनी हो गई प्लस माइनस आई। तो यहां से हमको रिक्वायरमेंट पड़ी किसकी, इमेजिनरी नंबर की। अभी तक आप कॉम्प्लेक्स नंबर पर नहीं पहुंचे, अभी हम कहां तक आ चुके हैं इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर में यहां पर हमने क्या करा, एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। अब आप बोलेंगे कि सर ये नंबर लाइन के ऊपर इमेजिनरी नंबर को कहां पर प्लॉट करें, जैसे रैशनल नंबर की बात करें तो वो तो इनके बीच में, ये जो गैप दिख रही है ना इनके बीच में आ जाएंगे, इरेशनल भी यहां आ जाएंगे, बट ये इमेजिनरी नंबर को कहां पर पुट करें। तो इमेजिनरी नंबर को नंबर लाइन पर पुट करने के लिए हमने क्या करा, एक और एक्सिस का यूज कर दिया। ठीक है, या आपकी क्या होगी वाई एक्सिस। तो इसके ऊपर हम लोग क्या करने वाले, इमेजिनरी नंबर को प्लॉट करेंगे, जैसे आई टू आई, ठीक है, नीचे आ गया आपका माइनस आई माइनस टू आई एंड सो ऑन। क्लियर है ना इतना? तो यहां से आपका आविष्कार हुआ किसका, इमेजिनरी नंबर्स का। तो हर वो नंबर जिसके साथ आई लग जाए साथ में, उसको हम क्या बोलने वाले, इमेजिनरी नंबर। हर वो नंबर जिसके पीछे आई लगा उसको हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है टू आई, तो ये जो टू आई ये क्या आपका एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, माइनस का आई, तो ये जो माइनस आई है ये क्या आपका एक इमेजिनरी नंबर है। और इस आई को हम लोग क्या बोलने वाले हैं यहाँ पर, आयोटा। इस आई को हम क्या बोलने वाले हैं, आयोटा। ठीक है, तो थोड़ा सा और आई के बारे में हम लोग जान लेते हैं, इसकी पावर्स, इसकी वैल्यूज और कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, उसको हम लोग देख लेते हैं। हेलो, तो देखो हम लोगों ने बात कर ली कि इसकी नीड ऑफ इमेजिनरी नंबर, नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, इमेजिनरी नंबर की जरूरत क्यों पड़ी। कुछ ऐसी इक्वेशन हमारे सामने आई जिनका सॉल्यूशन निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। अब तक की जो भी हमारा, जो भी नंबर को हमने डिस्क्राइब किया है, रिप्रेजेंट किया है लाइक रियल नंबर्स है, उसकी मदद से हम उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। इसलिए हमने क्या करा, कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, आवश्यकता से ही आपका आविष्कार होते। तो नाउ हमारा जो इमेजिनरी नंबर है उसको हमने क्या बोलते हैं, आयोटा। जहां भी आयोटा लगा रहे हैं वो आपका क्या हो गया, आपका इमेजिनरी नंबर। नाउ आयोटा की कुछ इंटीग्रल पावर की हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आई है इसकी वैल्यूज क्या क्या होगी। तो सबसे पहले जो डिफाइन किया गया था आई को, आई की वैल्यू कितनी बताई गई थी आपकी, अंडर रूट माइनस वन। नाउ अगर मैं आई का स्क्वायर करूं, आई का अगर हम क्या करना है स्क्वायर कर ले, तो देखिए आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ माइनस वन का स्क्वायर, मतलब कितना, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो बचा कितना आपका माइनस वन। तो किसी भी इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक रियल नंबर। गौर करने वाली बात, इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर कितना हो गया आपका, रियल नंबर। तो आयोटा का स्क्वायर क्या है आपका, एक रियल नंबर। ठीक है, अब देखो आई का क्यूब निकाल लेते हैं, आई का क्यूब कितना होगा, मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, आई स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी है माइनस वन, तो माइनस वन इंटू आई कितना हो गया देखो माइनस आई। तो क्यूब जो है वो किसके बराबर हो गया, माइनस आई माइनस ऑफ आई के बराबर। नाउ आई टू द पावर फोर, सिंपल है, आई टू द पावर फोर को हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर कितना हो गया देखो, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर माइनस वन इंटू माइनस वन, तो माइनस वन इंटू माइनस वन कितना हो गया आपका प्लस वन, सिंपल। I की पावर 5 कितना हो गया देखो, I की पावर 5 हो जाएगा आपका I टू द पावर 4 इंटू आई, आई टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी है 1, 1 इंटू आई कितना हो गया I, रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, I इज इक्वल टू I टू द पावर 5, ठीक है, विच इज इक्वल टू I टू द पावर 9। ठीक है, हर चार पावर के बाद ये वैल्यूज अपने आप को क्या करेगी, रिपीट करेगी। मतलब कि आई की स्क्वायर की जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, आई टू द पावर 6, 4 प्लस 2, 4 प्लस 2, सिंपल 4 के मल्टीपल में चलने दो तो कितना हो गया देखो 8 प्लस 2, ये सब क्या होगी, इनकी वैल्यूज इक्वल होगी। मतलब कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू आई टू द पावर 4 एम प्लस 1। ठीक है, आई टू द पावर जो 4 है उसका तो कोई सिग्निफिकेंस रहेगा ही नहीं,
कैसे सर, कैसे? एग्जाम्पल समझ जाओ। एग्जाम्पल से समझो, लेट्स से कि मेरे पास कोई नंबर है आई टू द पावर 17, आपको इसकी वैल्यू निकालना है। तो आई टू द पावर 17 को हम ऐसा लिखे, क्या 4 का मल्टीपल क्या होगा 16 प्लस 1 लिख दिया। चलो फिर क्या लिखा मैंने, आई की पावर 16 इंटू आई की पावर 1, ठीक है। आई की पावर 16 को ऐसा लिखू क्या, आई की पावर 4, आई की पावर 4 टू द पावर 4, 4 4 जा 16 इंटू आई, आई की पावर 4 कितना होता है देखो 1, 1 की पावर 4 कितना हो गया 1, 1 की पावर कुछ भी आंसर कितना आएगा 1, एंड 1 इंटू आई इज इक्वल टू कितना हो गया आपका आई। तो सिंपल अगर हम कहें तो यहां पर आई की पावर 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आई की पावर 4m प्लस 1, हर फोर्थ पावर के बाद, हर चार पावर के बाद टर्म्स अपने आप को, वैल्यूज अपने आप को क्या करती है इमेजिनरी नंबर्स के अंदर रिपीट करती है। क्लियर है ना ये पॉइंट। सिमिलरली अगर मैं आई स्क्वायर को लिखना चाहूं तो आई स्क्वायर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं आई टू द पावर 4m प्लस 2, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू इसी के बराबर होगी। तो लेट्स से कि आई की पावर 20 है, 22 ले लो लेट्स से, तो आई की पावर 20 कितनी हो गई, आई की पावर 20 प्लस 2, ठीक है। 20 क्या होता है 4 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं आई का स्क्वायर, बिकॉज आई की पावर 20 को हम क्या लिखेंगे आई टू द पावर 4 टू द पावर 5, और आई की पावर 4 कितना है 1, तो 1 की पावर 5 कितना हो गया 1। तो सिंपल है, ठीक है। जब भी आपका पावर 4 से रिपीट होती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, देखो यहां पर एक मिनट के लिए इसको पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, आई की पावर 135, ठीक है। देखो कैसे होगा, आई की पावर 135 4 से अगर हम डिवाइड करें तो 4 से डिवाइड करने पे कितना होता है, ये देखो 132 जो है 4 से परफेक्टली डिविजिबल होगा, प्लस हमने क्या लिख दिया 3। अब आई की पावर 132 जो है इसको हम क्या लिखे आई की पावर 4, ठीक है। 4 को 132 को 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 43, ठीक है। तो आई की पावर 43 कितना हो गया आपका, आई 4 की पावर 43 हो गया 1, मतलब ये फैक्टर की वैल्यू हो गई 1, बचा कितना आपका आई क्यूब, तो आई क्यूब की वैल्यू कितनी माइनस आई। इस तरह से हम लोग क्या करने वाले, आयोटा वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले। कुछ एक दो क्वेश्चंस और हम लोग यहाँ पर देखते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा नेगेटिव पावर में देख लेंगे। आप बोलेंगे कि सर अगर आई की पावर नेगेटिव आ गई तो हम क्या करेंगे, ठीक है। चलो आई की नेगेटिव पावर्स को देखते हैं। आई की पावर अगर माइनस 1 है तो हम इसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में आई, ठीक है। सिंपल नाउ ऊपर और नीचे आई क्यूब का आप इंटू कर दीजिए, तो आई क्यूब इंटू आई कितना हो गया आई टू द पावर 4, ठीक है। आई क्यूब इंटू आई कितना हो जाएगा आपका आई टू द पावर 4, और ऊपर कितना आ गया 1 इंटू आई क्यूब कितना हो गया आई क्यूब, आई टू द पावर 4 कितना होता है 1, तो आंसर कितना आया आपका आई क्यूब। नाउ जैसे माइनस 2 के लिए हमने करा आई टू द पावर माइनस 2 क्या हो गया 1 अपॉन आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो 1 अपॉन माइनस 1 कितना हो गया माइनस 1, सिंपल। मतलब आई स्क्वायर और आई की पावर माइनस 2 दोनों की वैल्यू क्या होती है सेम, सिंपल। आई की पावर माइनस 3 अगर हम निकाले तो आई की पावर माइनस 3 कितना हो गया 1 अपॉन आई की पावर 3 इंटू आई बाय आई, ठीक है। तो आई इंटू आई कितना हो गया आई टू दी पावर 4, ऊपर कितना बचा आई, तो आई टू दी पावर 4 की वैल्यू 1, तो बचा कितना आई। यहां पर आप पूछेंगे सर यहां पर आई क्यूब का इंटू करा, यहां का आई करा, ऐसा क्यों करा, क्योंकि मुझे नीचे पावर 4 करनी आएगी, बिकॉज मुझे पता है कि आई की पावर 4 कितना होता है 1, तो यहां पर एक आई था तो हमने 3 का इंटू करा, यहां पर 3 है तो हमने 1 का इंटू करा, सिंपल सा लॉजिक है। यहां भी आप वही चीज कर सकते हैं, बट जब हमको आई के स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट पता है माइनस 1, तो आप उसको यहां पर क्या करेंगे पुट करेंगे। सिमिलरली आई की पावर 4 है तो 1 अपॉन में आई की पावर माइनस 4 है तो अपॉन में कितना आ गया आई की पावर 4, आई की पावर 4 कितना होता है 1, 1 बाय 1 कितना हो गया आपका 1। नाउ मैं क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करते हैं, हमको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर माइनस 999। अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन आई की पावर 999, ठीक है। अब ये 999 को आप किससे डिवाइड करो 4 से, क्यों डिवाइड करें, क्योंकि 4 का जो मल्टीपल है आई की पावर में, अगर 4 का मल्टीपल आता है, ठीक है, 4 का जो मल्टीपल आता है उसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 1, तो यहां पर अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो देखो 4 2 जा कितना हो गया 8, तो ये आ गया आपका 2, बचा कितना 1, 9 नीचे आया 4, 4 जा 16, बचा कितना 3, 9 नीचे आया, ठीक है, 4 9 जा 36, बचा कितना 3, अब डिवाइड नहीं होगा। तो हमको किस पे ध्यान देना, हमको रिमाइंडर पे ध्यान देना। तो मैं क्या लिख सकता हूं सिंपली, इस आई की पावर 999 को मैं क्या लिख सकता हूं आई टू दी पावर 3 ओनली। अब पूछेंगे सर कैसे आया आई टू दी पावर 3, तो देखो आई की पावर 999 को आप क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आई की पावर 4 टू दी पावर 249 इंटू आई की पावर 3, सिंपल ऐसा हो जाएगा। ये करके देख सकते हैं आप, 4 इंटू 249 कीजिए तो आपको मिलेगा 996, और 996 प्लस 3 कितना हो गया 999। तो ये जो वेक्टर है ना, इसकी तो वैल्यू 1 हो गई ना,
फोर के मल्टीपल मल्टीपल में कितनी ही पावर हो इसकी वैल्यू कितनी हुई वन, क्योंकि आई की पावर फोर कितना होता है वन, और वन की पावर एनीथिंग कितना हो गया आपका वन, बचा कितना आई क्यूब, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आई क्यूब। अब वन अपॉन आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है सर, वन वन अपॉन आई क्यूब का मतलब क्या हो गया आई की पावर माइनस थ्री, तो कितनी होती है इसकी वैल्यू आई, सिंपल ये आ गया। नहीं भी आ रहा है इसकी वैल्यू याद नहीं है तो हम क्या करें ऊपर आएगा इंटू नीचे आएगा इंटू, तो नीचे कितना हो जाएगा देखो आई की पावर फोर ऊपर हो गया आई, बचा कितना आई। इस तरह से आपको क्या करना है आयोटे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और आगे की जो बातें हैं आयोटा से रिलेटेड जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होंगे थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस होंगे उसको हम डील करेंगे। तो आज की वीडियो में आपको ये जानना बहुत जरूरी था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इन्वेंशन है जो डिस्कवरी है ठीक है वो कहां से हुई, क्यों हमको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, तो वो आज हम लोगों ने देखा। और जो कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा था जो इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट था उसको हमने डील करा। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और वहीं पर हम लोग आगे की चीजों को डिस्कस करने वाले। यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद जय भारत।